हाय फ्रेंड्स, मैं हूं टिकी और स्वागत है आपको मेरे चैनल टिकी टिप्स एंड ट्रिक्स पर। इससे पहले जो मैं आपसे वीडियो शेयर की थी वो है गंगूबाई काठियावाड़ी का गेटअप, और ये वाला मैं कौन सा गेटअप लेने वाली हूं थोड़ी देर में बता दूंगी। ये वीडियो भी मैं उसी दिन ही शूट की थी। एक्चुअली उसमें और इसमें क्या तालमेल बैठता है वो मैं बता दूंगी आपको। एक दिन में दो वीडियो शूट करना इतना आसान नहीं होता, लेकिन मैंने कर लिया। तो देखिए, गंगूबाई में जिस तरह का मैंने फेस मेकअप रखा था तो वही सेम रहा, क्योंकि आप अगर ध्यान में लाओगे तो इसके रिलेटेड ऐसे मांग बीच में मांग निकालते हुए ऐसे जुड़ा करते हुए और इतना बड़ा बिंदी और किस गेटअप में आप ले सकते हो, थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत है। मैंने थोड़ा ध्यान दिया तो मुझे देवदास का ऐश्वर्या राय वाला गेटअप थोड़ा याद आया, तो मैंने सोचा क्यों ना वो बंगाली लुक क्रिएट कर दिया जाए। तो वही सोच के मैंने शुरू किया। तो थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ उसका काला टीका मैंने मिटा दिया, और कुछ कुछ जो कुछ ऐड करना था वो मैंने ऐड कर लिया, जैसे कि आप देख रहे हो। मैंने बिंदी के ऊपर सिंदूर का पाउडर, सिंदूर का और एक कोट चढ़ा दिया, और मांग भर के पूरा मोटा मांग भर के सिंदूर लगा लिया। हो गया फेस मेकअप कंप्लीट, और उसके बाद साड़ी पहनना भी मैंने शुरू कर लिया है ऑलरेडी। आप देखते जाइए, इससे आप बंगाली साड़ी वेयरिंग का तरीका भी सीख जाएंगे। अगर आप देवदास के मूवी के बारे में थोड़ा याद करोगे तो उस टाइम में कितना हीट हुआ था उसका ज्वेलरी को लेके, उसका कॉस्ट्यूम को लेके बहुत कुछ हल्ला गुल्ला मचा था। तो इतना सिंपल कॉस्ट्यूम तो नहीं होगा, काफ़ी हेवी मतलब ऐश्वर्या माधुरी ये सारे पहने हुए हैं, काफ़ी हेवी। तो उसके हिसाब से मैंने एक गेटअप देखा, ऐश्वर्या ने कुछ इस तरह के पहने हुए थे, इस तरह के साड़ी कॉम्बिनेशन था और चौड़ा बॉर्डर था, तो उसी के हिसाब से मैंने ये साड़ी चूज किया। ये साड़ी भी दिखता होगा शायद हल्का, लेकिन बहुत हेवी है उसके बॉर्डर के वजह से, काफ़ी हेवी साड़ी है। तो उसके हिसाब से ये सही बैठा तो मैंने इसको ले लिया चूज करके। अभी फिर चलिए साड़ी वेयरिंग के बारे में भी थोड़ा बात कर लेते हैं। ये बंगाली तरीके से मैं पहन रही हूँ, उसके लिए देखिए नॉर्मल तरीके से हम जब साड़ी पहनते हैं एक राउंड लगाते हैं और उसके बाद दूसरा राउंड ऐसे साड़ी को घुमाते हुए फिर प्लीट बनाते हैं, पल्लू का प्लीट। लेकिन इसमें क्या है ना, एक राउंड लगाते ही उसके बाद घुमाना नहीं है हमें साड़ी को, और उसके बाद प्लीट बनाना शुरू कर देना है। और पल्लू जो देखिए, पल्लू मैंने कितना लंबा छोड़ा हुआ है पूरा फ्लोर लेंथ, क्योंकि बाद में उसको भी हमें सामने के तरफ घुमा के लाना है। तो अभी हम फ्रंट प्लीट के तरफ आएंगे, तो सेंटर प्लीट के तरफ। तो इसमें बंगाली लुक में दो या तीन प्लीट काफ़ी ज़्यादा होता है, तीन तो बहुत लंबे साड़ी में होगा, नॉर्मल जितने साड़ी होता है दो ही आएगा, क्योंकि बहुत चौड़ा चौड़ा प्लीट लिया जाता है। तो आप देखने के तरफ भी ध्यान दीजिए। देखिए लगभग हमारा जो है प्लीट ख़त्म हो चुका है, इसको हम सेट कर लेंगे। मेरा दो ही प्लीट बना तो इसको सेट कर लें। एक्चुअली आपके यहाँ गर्मी कैसा है थोड़ा बताइएगा कमेंट करके, क्योंकि हमारा यहाँ तो इतना ज़्यादा गर्मी हो रहा है कि अभी भी इतना मैं वॉइस रिकॉर्ड कर रही हूँ इतना ज़्यादा पसीना निकल रहा है, कुछ मन ही नहीं करता है करने को, लेकिन आप लोगों से क्या है मिलने की भी जल्दी रहती है। तो चलिए, कोई इसका कोई मतलब मैटर नहीं करता है ये गर्मी। तो अभी देखिए मैंने सामने के पल्लू को किस तरह से लेके सेट करने वाली हूँ। देखिए ऐसे लेके जितना अभी बचा हुआ है जितना एंड तक जा पाए तो वहाँ तक लेके जाइए पीछे के तरफ, वहाँ पे टक करके मैं अच्छे से पिन से सेट कर दूँगी। उसके बाद ये जो सामने के तरफ का प्लीट है, ये जो थोड़ा फैला हुआ है, इसको भी हम अच्छे से सेट करके ब्लाउज से अटैच कर देंगे एक पिन की मदद से। चलिए, ये इधर उधर फिसलेगा नहीं, ज़्यादा स्प्रेड होके दिखेगा तो इतना पॉलिश लुक नहीं आता है, तो इसको भी हम अच्छे से सेट कर देंगे। उसके बाद अभी जो है पीछे के तरफ का पल्लू की बारी, बस एक ही काम बच गया है तो वो फिर कंप्लीट हो जाए तो बंगाली लुक कंप्लीट हो जाएगा। अभी देखिए पीछे के पल्लू को हम इस तरह से घुमाते हुए सामने के तरफ लाएंगे, और मैं यहाँ पे कंधे पे उसका जो पॉइंट है उसको मैं पिन से टक्कर दे रही हूँ।
आप चाहो तो और थोड़ा पीछे के तरफ लटका के भी रख सकते हो, जैसे बंगाली लोग वहाँ पे चाबी का गुच्छा बांधते हैं और वो देवदास फिल्म में भी दिखाया गया है, तो उस तरह का लुक भी आप क्रिएट कर सकते हो। बट मैंने कुछ इस तरह से रखा है सिंपली। बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो देखना अच्छा लगता है, आगे भी देखना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। थैंक यू। हाँ फ्रेंड्स, ये वीडियो क्लिप जो आप देख रहे हैं इसमें देवदास का डोला रे डोला वाला सॉन्ग ऐड की थी, लेकिन इसके वजह से क्लेम आ रहा था तो मैंने इसको रिमूव कर दिया। ओके, बाय फ्रेंड्स।